नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट आईटी अपडेट्स पर। मैं नरेश कुमार आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो साथियों, आज की जो हमारी वीडियो है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो है इलेक्ट्रिकल सिंबल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सिंबल्स है उनके ऊपर जो है वीडियो है आज का। तो साथियों, काफी इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, दोनों के लिए। फर्स्ट ईयर में सभी के लिए कॉमन रहेगा जो है सिंबल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का, और सेकंड ईयर की जो इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन ट्रेड है उन सभी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो ये सिंबल्स वगैरह हैं ये सेकंड ईयर में भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिकल ग्रुप की जो ट्रेड्स है सेकेंड ईयर में, तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट जो वीडियो रहेगा आज का हमारा। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि जो है आपको अच्छे से जो है वीडियो समझ आ सके और आप ये जो सिंबल है अच्छे से कर सके, क्योंकि ये 10 नंबर के जो है कम से कम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। तो साथियों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा है शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ताकि आपके जो दूसरे फ्रेंड है उन वो भी हमारे चैनल के साथ स्टडी कर सके। तो चलिए साथियों, आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले जो है हमारे यहाँ पर सिंबल्स आपको बताएंगे वन बाय वन। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो है डीसी जो करंट होता है उसका सिंबल आप देख सकते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन रहेगी, आप एक सीधी और एक डॉटेड दिखा सकते हैं। उसके बाद जो एसी का आपको पता है अल्टरनेट करंट होता है, बिल्कुल ऐसे चलता है। उसके बाद हम बात करेंगे पॉजिटिव के लिए प्लस का यूज करेंगे, नेगेटिव के लिए माइनस का। जो सिंगल फेस है 50 हर्ट्ज के लिए, उसके लिए भी हम इस तरह से यूज करेंगे 1 से लेकर 50 तक। और जो थ्री फेस का है वो थ्री फेस यहाँ दिखाकर 50 हर्ट्ज तक इसको यूज करेंगे। एसी डीसी के लिए हम यहाँ पर कॉमन है इस तरह से यूज करेंगे, ऊपर एसी हो जाएगा नीचे डीसी हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम थ्री फेस लाइन की, तो यहाँ पर तीन लाइंस दिखानी है आपको, L1 L2 L3, तीनों फेस के लिए तीन लाइन यूज करेंगे हम। उसके बाद न्यूट्रल लाइन के लिए आपको ये डॉटेड लाइन लगानी है, और उसके साथ ये इस तरह से आपने न्यूट्रल का ये सिंबल बनाना है। तो साथियों, अर्थ का तो बहुत कॉमन है, सबसे ज्यादा यूज जो है एग्जाम में भी बहुत बार आता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अर्थ का ये इस तरह से सिंबल बनेगा आपका। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी सेल की, तो यहाँ पर आपने दो इस तरह से लाइन लगा के प्लस माइनस का यहाँ पर सिंबल बना लेना है सेल का। इसी तरह से बैटरी के अंदर आपने टर्मिनल ज्यादा दिखाने हैं, तो ये आपका बैटरी का बन जाएगा। उसके बाद हम सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच की बात करेंगे, तो इस तरह से आपने ये आपने यहाँ पर दिखा देना है बनाकर। उसके बाद पुश बटन के लिए आपके ये दो दो सर्कल लगाकर उस ऊपर परपेंडिकुलर का सिंबल बनाकर आप पुश बटन का सिंबल बना सकते हैं। उसके बाद एनर्जी मीटर है 3 वाट का, यहाँ पर इस तरह से रेक्टेंगल बनाकर दो उसके अंदर इस तरह से शो कर देंगे आप। अल्टरनेटर का सर्कल के अंदर आपने सीधा ए लगाना है। जनरेटर के लिए सर्कल लगाकर जी लिखना है, वो भी आपका सही होगा। और जो यहाँ पर दिख रहा है आप इस तरह से भी बना सकते हैं प्लस माइनस का डोनेट करके। इसी तरह से आप डीसी मोटर का भी दिखा देंगे, और मोटर का हम यहाँ पर सिंबल कर देंगे। जनरेटर के अंदर हम जो है जी लिखेंगे, और मोटर के अंदर हम एम, और प्लस माइनस का यहाँ पर आपने दिखाना है। उसके बाद हम बात करेंगे जो है एसी मोटर सिंगल फेस के लिए, तो सर्कल लगाकर आपने यहाँ पर बीच में हम और एक एसी का सिंबल यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। थ्री फेस स्क्रिल केज मोटर है, उसके अंदर भी हम सर्कल लगाकर मोटर का एम हो गया और एसी भी है, और ये थ्री फेस यहाँ पर दिखा के एक ऊपर सीधी लाइन लगा देंगे। थ्री फेस स्लिप रिंग मोटर है, तो आपने डबल सर्कल लगा के यहाँ पर एसी थ्री लगा देना है, और ऊपर तीन लाइनें आ जाएंगी आपकी फेस की। फिर कैपेसिटर के लिए आप ये भी यूज कर सकते हैं फिक्स के लिए, ये एक वेरिएबल के लिए आपको दोनों दिखाए हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, तो इसका आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें भी प्लस माइनस करके आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। उसके बाद टू वे स्विच है आपका, तो टू वे स्विच आपको दिख रहा होगा किस तरह से यहाँ पर जो है दिखाया हुआ है, तो इस तरह से आपको बनाना है। डीपीडीटी स्विच है, तो ये भी आप देख सकते हैं, तो इस तरह से आपने बनाना है। उसके बाद फ्यूज ऑर्डिनरी कार्ट्रेज, तो ये भी आप यहाँ देख रहे होंगे, तो इस तरह से आप रिवीजन करिए जो है सिंबल, आप खुद बना के देखिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको जो है अच्छे से याद रहेगा। फिर आगे हम बात करेंगे लिंक, आपको दिख रहा होगा लिंक का सिंबल है।
सॉकेट है 2 पिन 3 पिन के, ये आप देख सकते हो, सर्कल लगा के 2 पिन लगा सकते हो, और ये 3 पिन का सॉकेट है आप देख सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे जो सेलिंग रोज है 2 पिन और 3 पिन वाले, तो ये आपको दिख रहा होगा इस तरह से, तो ये आप दिखा सकते हैं। ओवरहेड लाइन सर्कल लगाकर बीच में से आपने एक लाइन लगानी है। एरियल जो है एंटीना का आप देख सकते हो इस तरह से है। वोल्ट मीटर का सर्कल लगाकर वी लिखना है आपने, एमीटर के लिए 1 लिखना है, और ओम मीटर के लिए आपने ओम का सिंबल बनाना है। वाट मीटर के लिए आपने भी डब्ल्यू का बीच में डिनोट कर देंगे। लैंप के लिए आप देख सकते हो ये भी है, सिंबल यूज कर सकते हैं। ये फैन रेगुलेटर का आ गया आपका। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट का आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर रिले का, इसके ऊपर रिले लगा देंगे मैग्नेट के ऊपर, तो आपका ये रिले बन जाएगा। फिर आपको आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक बेल, तो ये आप देख सकते हो। बजर भी देख सकते हो आप यहाँ पर, कॉन्टैक्ट नो और नो कॉन्टैक्ट दोनों देख सकते हो यहाँ पर। आपका जो है नो कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट है आपका यहाँ पर। 3 फेज कनेक्टर आप देख सकते हो यहाँ पर। फिर कनेक्शन स्टार डेल्टा आप देख सकते हो यहाँ पर, तो ये स्टार है, ये आपका डेल्टा हो गया। फिर चोक का आप देख सकते हो यहाँ पर। ट्रांसफार्मर का भी आप देख सकते हो यहाँ पर। प्राइमरी वाइंडिंग है इस साइड, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी आपकी। कार्बन जो है माइक्रोफोन देख सकते हो आप, लाउड स्पीकर देख सकते हो। रजिस्टर है जो फिक्स टाइप है यहाँ पर देख सकते हो, और ये रजिस्टर है जो वेरिएबल आप देख सकते हो। उसके बाद आप रेक्टिफायर देख सकते हो यहाँ पर, डाइट के बिल्कुल शेप का है, बिल्कुल इस तरह से आप लगा सकते हो। ट्रिमर पैडर का आप देख सकते हो यहाँ पर। गैंग कैपेसिटर देख सकते हैं आप यहाँ पर सिंबल अच्छे से। फिर आपका मेन जो ट्रांसफार्मर है विद मल्टीपल सेकेंडरी वाइंडिंग, तो ये मल्टीपल सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ देख सकते हो, हाई टेंशन लो टेंशन के साथ। उसके बाद है ऑटो ट्रांसफार्मर, तो ये भी देख सकते हो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ। सिलिकॉन बाइलेटरल स्विच SBS, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर इसको भी। SCR का आप सिंबल देख सकते हो, इस तरह से आपको बनाना है। फिर UJT का आप देख सकते हो यहाँ पर। फिर FAT का एन चैनल टाइप यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद FET-P चैनल आप यहाँ पर देख सकते हो, सिंबल किस तरह का यहाँ बना हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो ट्रैक का यहाँ पर आप देख सकते हो सिंबल। फिर डायक का आपका रहेगा, तो इनको आप अच्छे से जो दिमाग में इसको अच्छे से बिठाइए और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको ये सभी याद हो पाएंगे।